हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक चॉकलेट बॉक्स पैकिंग बनाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए देखिए हमें जो चाहिए, सैटिन का कपड़ा मैंने लिया है, इसमें आप देख रहे होंगे सैटिन का कपड़ा है। फ्लावर्स देखिए, अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। रिबिन सैटिन रिबिन है, ग्रीन कलर के देखिए मैंने नेट भी लिया है, शिमर का क्लॉथ भी लिया है। ये दोनों आपको दिखा रही हूँ मैं, आपके पास में जिस तरह का कपड़ा होगा वो चलेगा, इस तरह का शिमरी कपड़ा भी चलेगा, बट हमें ग्रीन कलर में चाहिए। ठीक है, या तो नेट ले लीजिए या फिर इस तरह का शिमर क्लॉथ ले लीजिए, जो भी कपड़ा आपके पास में वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा माउंट बोर्ड, इसमें हमें माउंट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अभी तक जो हमने पैकिंग की है उसमें हमने ऊपर से बॉक्स को डेकोरेट किया, आज हम गिफ्ट बॉक्स इटसेल्फ बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें माउंट बोर्ड की जरूरत होगी। 2 से 3 माउंट बोर्ड कम से कम चाहिएंगे, ये डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर भी। अगर आपका साइज छोटा है तो 2 माउंट बोर्ड में भी हो सकता है, अगर बड़ा साइज ले रहे हैं तो 3 माउंट बोर्ड भी लग सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। आज जो हम गिफ्ट बॉक्स बना रहे हैं, सबसे पहले उसकी शेप हम डिसाइड करेंगे। जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, या और भी कोई शेप लेना चाहते हैं वो भी बनाते हैं, तो उससे हमने आज अलग शेप ली है, हार्ट शेप ली है। आज जो बॉक्स पैकिंग हम बनाएंगे वो हार्ट शेप में बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने किस तरह की कटिंग रखी हुई है, न्यूज़पेपर पर सिंपल सा राउंड इस तरह से कटिंग किया हुआ मैंने, और ये देखिए हार्ट बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे पेपर पर। शेप मैंने पूरे अंदाजे से ली है, बिल्कुल अंदाजे से पेपर फोल्ड करके मैंने इसकी शेप बनाई है, कोई मेजरमेंट नहीं लिया है मैंने इसका। सेम ऐसा ही हमने एक और हार्ट बनाना है, देखिए इसे भी हमने अंदाजे से सेंटर पर रखा है और एक शेप इस तरह से पेपर पर ड्रॉ कर ली। सबसे पहले बड़ा पेपर रखकर शेप ड्रॉ की, उसके ऊपर छोटा पेपर रखकर हमने शेप ड्रॉ कर ली है। और ये जो गैप है, तकरीबन गैप हमने 3 इंच का रखा हुआ है, ये गैप आप अपने से डिसाइड करके भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने 2 हार्ट कटिंग करना है, ये देखिए इस तरह से सेंटर हमने ले लिया, देखिए 2 हार्ट हमने कटिंग करके रखने हैं पेपर के, हम 2 हार्ट कटिंग करके रखेंगे। और ये जो है गैप, ये अंदाजे से मैंने 3 इंच का अंदाजा छूट रखा है। अब हमने क्या करना है, जो ये हार्ट शेप हमने कटिंग की है इसे हम माउंट बोर्ड पर रखकर कटिंग कर लेंगे। इसे इस तरह से माउंट बोर्ड पर रखेंगे और ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे। मेन बात है जो छोटा हार्ट है उसकी कटिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है, छोटे हार्ट शेप की हम कटिंग नहीं करेंगे। जो बड़ा हार्ट है वो हम माउंट बोर्ड पर रखेंगे, ड्रॉ करेंगे और कटिंग कर लेंगे। देखिए माउंट बोर्ड की थिकनेस, अगर आपका माउंट बोर्ड थिक नहीं है तो 2 से 3 माउंट बोर्ड के टुकड़े कटिंग करके आप आपस में चिपका लें ताकि थिकनेस आ जाए और स्ट्रांग हो जाए आपका बेस, क्योंकि ये जो हार्ट शेप है ये हमारा बेस होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस हार्ट शेप के 2 से 3 कटिंग कर लें। ये देखिए हमने माउंट बोर्ड की कटिंग कर ली है, 2 हार्ट हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। देखिए मैं जो ये बॉक्स बना रही हूँ इसमें मुझे टोटल में 3 माउंट बोर्ड लग जाएंगे, क्योंकि जो हार्ट है वो एक माउंट बोर्ड की शीट में एक ही कटिंग हो रहा है। अब अगर आप छोटे साइज का बनाना चाहें तो एक माउंट बोर्ड पर 2 कटिंग आराम से कर सकते हैं, तो साइज आप अपने पर डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसा बनाए, ठीक है। अब ये 2 माउंट बोर्ड की हमने कटिंग करनी है और इसे आपस में भी चिपका के एक बेस तैयार कर लेना है मजबूत। उसके बाद में ये जो छोटा हार्ट हमने कटिंग किया हुआ था, ये देखिए ये जो छोटा हार्ट कटिंग किया हुआ था हमने, ये इसके सेंटर पर हम रखेंगे इस तरीके से, इस तरह से ड्रॉ कर हम ये की पट्टी कटिंग करेंगे, 2 माउंट बोर्ड चिपका देंगे, तीसरे माउंट बोर्ड पर हम इसी तरह का हार्ट कटिंग हार्ट शेप बनाएंगे और उस पर छोटा हार्ट रखेंगे और उसकी बॉर्डरिंग हम कटिंग कर लेंगे। बॉर्डरिंग कटिंग होने के बाद में आप देख रहे हैं वो इस तरह की बॉर्डरिंग होगी, बीच का हिस्सा हमें निकाल देना है और ये आप देख रहे हैं इस तरह से ऊपर का हमने ये हिस्सा रखा हुआ है। सेम साइज का हार्ट शेप है ये, आप देखिए सेम साइज का, बिल्कुल सेम साइज का आप बीच में देख रहे होंगे, पेपर का जो मेरा साइज आप देख रहे होंगे वो भी सेम है, बस ये ड्रॉ किया हमने और ये कटिंग किया अंदर से और इस तरह की ऊपर की शीट निकाल ली। अब देखिए अब हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि माउंट बोर्ड की मैंने पट्टी रखी हुई है, जी हाँ 3 से 4 इंची की हमने पट्टी ये कटिंग की हुई है। ये आपके बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, इसकी हाइट आप जितनी भी रखना चाहें आप उतनी इसकी दे सकते हैं। ये जो हम कटिंग करें उसकी देखिए पट्टी को इस तरह से, मैं आपको बता दूं अंदाजे से
इस तरह से हम बॉक्स जब क्रिएट करेंगे तो इसे हम इस तरह से चिटकाएंगे इस पर, तब ये हमारा बॉक्स बनेगा। ठीक है, ये बॉक्स बनाने के लिए इस तरह से हमने ये पट्टी कटिंग की है, और ये जो हाइट मैं आपको बता रही हूँ ये आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको कम रखनी है तो कम भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऊंची बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। अंदाजा 3 इंची की बनाएंगे या 4 इंची की बनाएंगे तो काफी रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम पट्टियां कटिंग कर लेंगे पूरे हार्ट में, दोनों साइड में हाफ हाफ में करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हार्ट का आपका जो सेंटर है, क्योंकि शेप प्रॉपर आए इसलिए हम इसे इस तरह से चिपकाकर, और जो नीचे का कॉर्नर है, नीचे का जो हमारा कॉर्नर है उस साइज की हम, ये आप देख रहे हैं नीचे का कॉर्नर है वो साइज की हम हमारी पट्टी रखेंगे। मैंने थोड़ी बड़ी रखी है क्योंकि चिपकाते हुए लाएंगे जब जितनी एक्स्ट्रा होगी हम कटिंग कर देंगे, पहले से कटिंग करने में साइज छोटा बड़ा ना हो जाए, इसे थोड़ी सी बड़ी पट्टी मैंने कटिंग की है। इस तरह से दो हम पट्टी कटिंग करेंगे आउटर साइड के लिए, और हम दो छोटी पट्टी कटिंग करेंगे अंदर के छोटे हार्ट के लिए। अब जब ये हम आप देख रहे होंगे इस तरह से, जब ये जो अंदर का हार्ट का साइज हमें मिल जाएगा इसे ड्रॉ कर लेंगे हम, और ये जो साइज मिल जाएगा तो जो हार्ट का साइज है इस पर लगाने के लिए हमें इस तरह से चाहिए। आप समझे, दो दो जगह हम ये पट्टियां लगाएंगे, इससे हमारा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ये दो पट्टियां हम अंदर तरफ लगाएंगे और दो बाहर तरफ लगाएंगे तो हमारा एक मेन मेन मोटा मोटा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए साड़ी कटिंग होने के बाद में टोटल हमारी चीजें कटिंग हो गई है, अब हम इस पर डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेस लेंगे, बेस को जो चिपका के हमने तैयार किया उस पर हम ये सेटिन का कपड़ा लगाएंगे। पूरा कपड़ा देखिए इस पर हम इस तरह से लगाकर कवर कर देंगे। थोड़ा देखिए बड़ा कटिंग करेंगे हम, मैं आपको दिख रहा है यहां से, हाँ ये देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कटिंग करेंगे ताकि चिपकाकर हम इसे इस तरीके से पूरा फोल्ड कर सके, ताकि पीछे से पूरी फिनिशिंग हमारी दिखे। ये हमारा हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा, इसे हम पूरा चिपकाकर अच्छे से फोल्ड कर देंगे और यहाँ सेंटर पर से हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करेंगे तब हमारा कपड़ा आराम से चिपक जाएगा, और फिनिशिंग के लिए हम एक और कपड़े को हार्ट शेप का कटिंग करके इस पर चिपकाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे हार्ट पर पूरा कपड़ा लग गया है, और पीछे देखिए ये हमने फिनिशिंग दे दी है इस पर पेपर लगाकर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितने भी हमने पट्टियाँ कटिंग की थी छोटी बड़ी सब पट्टियों पर हमने रिबन लगाना है। पूरा रिबन इस पर हम इस तरीके से पूरा लपेट कर तैयार कर देंगे। इस तरह से पूरा रिबन पास पास में लपेट कर हम सारी के सारी पट्टियों पर रिबन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारी पट्टियों को रिबन से कवर कर दिया है। हमने रेड कलर लिया इसलिए हमने सारी पट्टियों को रेड से ही कवर किया है। आप जो कलर का कॉम्बिनेशन ले वो कलर से ही आप इसे पूरा रैप करें, और साथ ही साथ जो हमने हार्ट की जो कटिंग की थी सेंटर पर से जो हार्ट हमने कटिंग किया था उस पर भी हम देखें पूरी तरह से इसे रिबन में रैप कर चुके हैं। रिबन से इसलिए रैप करें कि सबसे इजी तरीका है रिबन में रैप करने का, और बहुत आसानी से और फिनिशिंग के साथ होगा। आप देख रहे हैं पूरी फिनिशिंग के साथ होगा ये, और साथ में हार्ट पे भी हमें करना था इसलिए पूरा हमने रिबन के साथ में इसे लिया है। ये देखिए हमारे सारे पार्ट पर रिबन लग के रेडी हो गया है, हमारे हार्ट शेप पे भी हमने रिबन लगा के रेडी किया हुआ है। अब इस पर असेंबल करना है हमें। अब उसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो हार्ट है ये लेंगे हम, और इसमें मार्किंग ले लेंगे। पूरा सेंटर पर हम देख लेंगे, प्रॉपर सेंटर पर है ना, सेंटर पर लेकर पेंसिल से हम पूरी मार्किंग ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप देख रहे हैं मार्किंग मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है, जो छोटा वाला हमारा जो पीस था उसे हम लगाएंगे। तो छोटा वाला पीस सबसे पहले लगाना है, और जो अंदर की तरफ जो हार्ट बना है उस पर लगाएंगे। तो ग्लू की हेल्प से ये जो हार्ट शेप आपको दिख रही है उसके चारों तरफ इस तरीके से उसे हम चिपका देंगे। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जो शेप बनी हुई है वहां वहां पर हम नीचे ग्लू लगा लेंगे, और उसके ऊपर हम इसे फिक्स करते जाएंगे। इसी तरीके से हम हमारा दूसरा वाला हिस्सा है वो भी लगा देंगे।
इस तरफ से आ जाएगा। उससे ऐसे ही हमें हमारे दोनों हिस्से लगाने हैं, ये छोटा वाला हिस्सा अंदर लगाना है और जो बड़ा हिस्सा हमने लिया है ये जो है ये हमें बाहर की तरफ लगाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अंदर का लगाया। ये देखिए इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए हमारा पूरा चिटक के रेडी हो गए हैं, पूरी हार्ट शेप आ गई आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ देख रहे हैं कंपार्टमेंट दो बन गए, एक सेंटर का बन गया है और साइड वाला भी देखिए हमारे पास में जगह मिल गई है साइड में भी हमें, ठीक है। अब इस पर हमें इसका कवर रखना है, ये देखिए जो कवर हमने बनाया था ये देखिए इस पर बैठ रहा है प्रॉपर, हम बिठाएंगे तो बैठ जाएगा ये देखिए कवर आप देख रहे हैं पूरा प्रॉपर इस पर बैठ रहा है। अब क्या करना है हमें, इसे देखिए हमें दोनों तरह से यूज करना है, ये अंदर का कंपार्टमेंट है उसमें भी हम गिफ्ट रख के दे सकते हैं, उसको हम ओपनेबल बनाएंगे। ओपनेबल बनाने से क्या होगा, इसे हम इस तरह से ओपन करके देखिए इसके साइड्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी गिफ्ट्स हमें इसमें रखना है हम वो भी यूज करके इसे काम में ले सकते हैं। तो इसे ओपनेबल बनाने के लिए हम इसमें छोटे रिबन की हेल्प लेंगे, छोटे रिबन की हेल्प से देखिए क्या करना है मैं आपको बताऊं। ये देखिए इस तरह से हम रिबन यहां ऊपर लगाएंगे और प्रॉपर हम मार्किंग ले लेंगे, प्रॉपर मार्किंग लेने के बाद में इस रिबन को हम हल्का सा गैप छोड़कर नीचे की तरफ लगा देंगे, हल्का बिल्कुल हल्का, ताकि इजीली ये बंद और खुल सके। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो चिपकाने के बाद में बंद हो जाएगा ये, इस तरह से हल्का सा बीच में छोड़ देंगे ताकि इस तरह से बंद हो जाए और ये खुलने का काम आ जाए। इस तरह से हम दो रिबिन दोनों तरफ लगा देंगे ताकि ये ओपनेबल हो जाए, हमारे दोनों तरह से काम आए, अंदर की तरफ का भी कंपार्टमेंट काम आए और बाहर का भी काम आए। ये देखिए हमारा कवर रेडी हो गया, इसका ऊपर का ढक्कन ये देखिए इस तरह से ये ओपनेबल हो गया, ठीक है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट करने के लिए देखिए शिमर वाला जो ग्रीन क्लॉथ मैंने आपको बताया था उसके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कटिंग कर रखे हैं इस तरह से, बहुत सिंपल है, इसे फोल्ड कर देना है, इसे इस तरह का एक बंच जैसा बना लेना है और ये जो हमारा ऊपर का जो कॉर्नर है इस पर हम लगाते आएंगे इस तरीके से, पूरे साइड्स में हम लगा देंगे, लू लेंगे और इसे चिपका देंगे। इस तरह से सबसे पहले हम जो पिलर्स बना रहे पिलर्स जो लगाएंगे चारों तरफ पहले पिलर लगा देंगे, उसके बाद में हम और अरेंजमेंट करेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से बनाया, इसे फिर से लगा दिया। पूरा इस तरह से जो सर्कल देख रहे हैं आप, हार्ट शेप देख रहे हैं, पूरी हार्ट शेप में पूरी अंदर की तरफ और ये जो शेप देख रहे हैं बाहर आप, ये बाहर की जो शेप है उसमें पूरी तरफ चारों तरफ पहले सबसे पहले हम ये पिलर्स की बाउंड्री लगा देंगे, ग्रीन पिलर्स की दोनों तरफ हम बाउंड्री लगा कर रेडी करेंगे। ये देखिए हमारे पिलर्स सबके रेडी हो गए और देखिए जो भी गैप्स थे सब हमारे फिल हो गए, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा फिनिशिंग भी आ गया, आप देख रहे होंगे किस तरह से। अब आप ये फ्लावर्स देख रहे हैं जो मैंने शुरू में बताए थे, अब इसमें फ्लावर्स अरेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरे कॉर्नर्स पर ये पिंक कलर के फ्लावर लगा रहे हैं, आप इसे अपनी चॉइस से भी बना सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से भी इसमें ले सकते हैं। ये देखिए और साथ ही साथ ये रेड वाले फ्लावर है इसे हम अंदर की तरफ लगाएंगे, बिल्कुल इसे लाइन से हम लगाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा पूरा लगने के बाद में, इसमें बहुत सुंदर लगने वाला है ये। ये देखिए इस तरह से हम पूरा फ्लावर अरेंज करके इसे चिपका कर रेडी कर लेंगे, पूरे में हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे, या अगर आपको सिंगल कलर में बनाना है तो सिंगल कलर में आप डबल फ्लावर लेके बना सकते हैं, कोई भी शेड आप लेके इस पर तैयार कर सकते हैं, पूरे का चिपका के अब इसे हम रेडी करेंगे। ये देखिए पूरा रेडी हो गया हमारा फ्लावर अलग के चारों तरफ से, देखिए पूरा बहुत सुंदर हार्ट शेप बनी है ये, और अंदर देखिए हमने ग्लिटर वाली ग्रास डाल दी है थोड़ी सी, इसकी शो डबल हो गई उससे। और देखिए ये देखिए ये खोल के हम इस तरह से इसे काम में ले सकते हैं, अंदर भी हम कुछ भी रख के सामान गिफ्टिंग के लिए ले सकते हैं, और देखिए इस तरह से इसे कवर करके हम सिंपली बाहर से भी यूज कर सकते हैं।
ये आपको बहुत तरीके से यूज आएगी। इसमें आप चॉकलेट्स कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक कर सकते हैं, या वेडिंग में अगर आप इसे यूज करना चाहें तो कॉस्मेटिक्स लगा सकते हैं इसके अंदर आप, या कोई भी गिफ्टिंग की चीज़ जो आप देना चाहें वो आप इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बहुत सारी यूज़ आएगी। ऑफकोर्स वैलेंटाइन डे पे भी गिफ्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा सुंदर बनी हुई हमारी पैकिंग है ये। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।